Good morning, everyone. Welcome to this press briefing by all of us. With me is the Health Secretary and the Director General of Police of Haryana. As you know, the entire country and the state is going through the COVID lockdown. There has been a multi-pronged response from the state government, various line departments, primarily the health, the police department, the social welfare department, women and child department, and the district administration has formulated a joint strategy so as to facilitate our response. A comprehensive health cover, health checkup, and provision of anti-COVID medicines and sample testing has been done by the health department. To give you a bird's eye view and a comprehensive view, I would request the health secretary to brief you now. Thank you very much, sir. मैं एक बार फिर से आपको ये जो आज मॉर्निंग का जो स्टेटस है उसके बारे में बताना चाहूँगा. इस टाइम पे जो आज मॉर्निंग की हमारी पोजीशन है उसमें हमारे 43 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव सैंपल्स पाए गए हैं, और उन 43 केसेस में से अगर हम देखें तो 13 केसेस ऐसे हैं जो कोविड पेशेंट्स डिस्चार्ज हो चुके हैं. एंड आउट ऑफ दीज 30 केसेज विच आर रिमेनिंग, इनका जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप है वो इस प्रकार से है कि अम्बाला के 3 केसेस हैं, फरीदाबाद के 5 हैं, गुरुग्राम के 6 हैं, हिसार 1, नूह 3, पलवल 3, पानीपत 2, पंचकुला 2, रोहतक 1, सिरसा 3 और सोनीपत 1. तो इन 30 केसेस का जो है ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं, और इनका जो इलाज है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किया जा रहा है. जो प्रिपरेशंस हमने की हैं अगर मैं उसके बारे में बताऊं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक हेल्पलाइन कम कंट्रोल रूम जो है वो पंचकुला में इस्टेब्लिश किया गया है, और ये 30 लाइंस का जो हेल्पलाइन कम कंट्रोल रूम है इसमें जो नई फीचर्स ऐड किए गए हैं वो टेलीमेडिसिन के फीचर्स भी हैं जो ऐड किए गए हैं, ताकि जो लोग डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको भी जो टेली कंसल्टेशंस हैं उसके बारे में सुविधा मिल सके. हरियाणा में इस टाइम पर 2 लेबॉरेटरीज हैं जो फंक्शन कर रही हैं, एक पीजीआई रोहतक में और एक बीपीएस खानपुर कला में. इसके अलावा 5 प्राइवेट लैब जैसी हैं जिनको आईसीएमआर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है. ये लेबॉरेटरीज हैं मॉडर्न डायग्नोस्टिक, एमओआईक्यू लैब, एसआरएल, कोर एंड स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज, और ये भी एक दो दिन में जो सैंपल्स हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो हैं उसकी टेस्टिंग शुरू कर देंगे. और इसके अलावा हम भी स्टेट गवर्नमेंट में जो अपना लेबॉरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और उसमें डिस्ट्रिक्ट नू में, हिसार में, करनाल, रोहतक और पंचकुला में जो नई लैब्स हैं वो इस्टेब्लिश करने के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं. समय समय पर हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और हमारे पीजीआई एमएस रोहतक के द्वारा जो डिफरेंट एडवाइजरीज हैं जो आइसोलेशन को लेके, क्वारंटाइन को लेके और सोशल डिस्टेंस को लेके वो सभी तक पहुंचाई जा रही हैं. इस टाइम पर हमारे पास 7,346 आइसोलेशन बेड्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जो कि 374 डिफरेंट आइसोलेशन वार्ड्स में हैं. क्वारंटाइन फैसिलिटी विद 3,243 रूम्स डॉर्मेट्रीज विद ऑलमोस्ट 14,000 पर्सन्स, जो अकोमोडेशन कैपेसिटी है वो क्रिएट कर दी गई है. 6 जो गवर्नमेंट एडेड और मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें पीजीआई रोहतक, बीपीएस खानपुर कलां, सोनीपत, देन नलहट नू में, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में, एमएमसी अग्रोहा में, और 25 हॉस्पिटल जो प्राइवेट सेक्टर में हैं अपार्ट फ्रॉम जो हमारे गवर्नमेंट के सारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव वार्ड्स और ब्लॉक्स जो हैं वो कोविड पेशेंट्स के लिए रखे गए हैं. और फिजिबिलिटी ये भी एक्सप्लोर की जा रही है कि वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च झज्जर में भी एक्सक्लूसिव कोविड हॉस्पिटल बनाया जाए. इसके अलावा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में, ईएसआईसी हॉस्पिटल गुरुग्राम में और मेडियोर हॉस्पिटल मानेसर में भी एक्सक्लूसिव कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है. इस टाइम पे हमारे पास करीब 1300 वेंटिलेटर्स के आसपास अवेलेबल हैं, और हमने अनदर 200-250 वेंटिलेटर्स का और ऑर्डर दिया हुआ है जो कि जल्दी ही आने शुरू हो जाएंगे. वैसे ये भी हिदायत दी गई है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो, 25% बेड जो हैं उनके कोविड केसेस के लिए रखे जाएंगे. 19,000 के आसपास पीपीएसपी किट्स अवेलेबल हैं, और करीब 90,000 के आसपास N95 मास्क अवेलेबल हैं. ट्रिपल प्लाई मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, क्लीनिंग एजेंट्स, ये सब चीज़ें खूब मात्रा में अवेलेबल हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है. इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि सारा का सारा जो प्रशासन है, चाहे वो
स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो राष्ट्र स्तर पे हो, सभी के सभी लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो हमारे लोकल बॉडीज के थ्रू, चाहे वो शहरों में, चाहे गाँव में, पंचायतों के माध्यम से इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, सैनिटेशन ड्राइव चलाई जाएँ, और ये सब काम भी जो है बहुत मात्रा पर किया जा रहा है। और इसके अलावा जो भी माइग्रेंट वर्कर्स जो थे उनको भी अलग से क्वारंटाइन कैंप्स में रख के उनके लिए भोजन का प्रबंध, रहने का प्रबंध, हर तरह का प्रबंध जो है वो किया जा रहा है। लेकिन हमारी तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, उन सबके हेल्थ चेकअप का भी पूर्ण रूप से प्रबंध किया जा रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट द हेल्थ सेक्रेटरी, मैं हेल्थ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूँगा कि लोगों के जहन में बहुत से डाउट्स हैं अबाउट द यूसेज ऑफ N95 मास्क या इन एंटिसिपेशन हाइड्रोक्लोरोक्विन खाने की टैबलेट्स का, उसके बारे में एक स्थिति स्पष्ट कर दी। देखिए, व्हाट इज द प्रोटोकॉल अबाउट, ऐसे है कि जहां तक हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात है उसके बारे में ICMR ने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी हैं कि ये सिर्फ उन मेडिकल वर्कर्स को जो डायरेक्ट एक्सपोज हैं पॉजिटिव केसेस को, उनको प्रोफिलेक्टिक तौर पे जो है वो ली जा सकती है। इसलिए जो आम आदमी है या दूसरे लोग हैं उनको किसी भी प्रकार से इस प्रकार की कंजम्पशन नहीं करनी चाहिए। बाकायदा जो हिदायतें दी गई हैं उन्हीं को ही उनका पालन करना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी जो मेडिकेशन है वो करनी चाहिए। जहाँ तक मास्क की बात है, जो लोग हमने बकायदा एक पूरा जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और डिफरेंट मास्क हैं उसकी एक एडवाइजरी भी सारे हॉस्पिटल्स में इशू की है। सो डिपेंडिंग ऑन दी काइंड ऑफ एक्सपोजर विच एनी वर्कर इज हैविंग, उसको किस प्रकार का मास्क यूज़ करना है, किस प्रकार की पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यूज़ करनी है, ये सब उसमें दिया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि जो लोग जो लो एक्सपोजर वाले हैं उनको ट्रिपल प्लाई मास्क या इवन कल जैसे माननीय प्रधानमंत्री की भी जो VC थी उसमें ये कहा गया था कि इवन हर व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो घर में ही अगर एक साफ कपड़ा पड़ा हुआ है उसको आप प्रॉपरली उसको वो करके और अपने मुंह के ऊपर लपेट कर ही बाहर जाएं, ताकि और आने के बाद उसको यूज़ करने के बाद उसको दोबारा वॉश करके फिर से उसको यूज़ किया जा सकता है। सो इसलिए ये जो सब चीज़ों का प्रोटोकॉल जो है वो हेल्थ वर्कर्स को और जनरल पब्लिक को हम पहुंचा रहे हैं। इसलिए जो चीज़ जिसके लिए यूज़फुल है उसको वही यूज़ करनी चाहिए या एसेंशियल है वही यूज़ करनी चाहिए, उसके बियॉन्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। एज़ फार एज़ पॉसिबल जो सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स और कर्मचारी हैं वो सारे के सारे ड्राफ्ट किए गए, यहाँ तक के अब ये भी किया जा रहा है कि जो आयुष विभाग के डॉक्टर हैं उनको भी हम इंटेग्रेट करें ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने में। ये बात जरूर हो सकती है क्योंकि जो पर्टिकुलर डिजीज़ है वो एक डिजीज़ जो है वो रेस्पिरेटरी स्ट्रेस से रिलेटेड है या फीवर कफ एंड बाकी सिम्टम्स से रिलेटेड है। सो नेचुरली जो डॉक्टर्स उस पर्टिकुलर डिजीज़ को डील करते हैं उनकी ड्यूटी, अब बनस्पत मान लीजिए कोई एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है या एक कोई आई सर्जन है तो उसके बनस्पत जो इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो कंपेरेटिवली ज़्यादा पड़ेगी। तो इस प्रकार की लोकल वेरिएशंस आ सकती हैं, बट अदरवाइज हेल्थ डिपार्टमेंट के और अब इंक्रीजिंगली जो हमारे आयुष विभाग के अधिकारी हैं और नीचे तक सारे जो हमारे आशा वॉलंटियर्स हैं, ANMs हैं, दूसरे वॉलंटियर्स हैं, वो सभी के सभी लोग जो हैं बकायदा ये हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने में, बिकॉज अल्टीमेटली इसके साथ साथ जो दूसरी हेल्थ सर्विसेज हैं वो क्लोज डाउन नहीं कर दी गई हैं, वो भी हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो चलाई जा रही हैं और वो सब लोगों को उसमें इंटेग्रेट किया गया है। हमने हरियाणा सरकार ने कुल मिला के 573 रिलीफ कैंप्स और शेल्टर्स सेटअप किए हैं, जिनमें से 228 रिलीफ कैंप्स में जो हमारे इमिग्रेंट वर्कर्स हैं जो दूसरे स्टेट से हरियाणा में आए थे उनको रखा गया है, तो उसमें लगभग 15,850 वर्कर्स इस वक्त। आई वुड रिक्वेस्ट द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू गिव यू अ ब्रीफ ब्रीफिंग अबाउट द प्रिपरेशंस एंड अरेंजमेंट्स ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट इन द रीसेंट टाइम्स एंड व्हाट इज इट दैट वी एक्सपेक्ट from the police department in terms of citizen support in this crisis. जी धन्यवाद सर। पुलिस डिपार्टमेंट इस समय हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ जो COVID-19 की जो चुनौती है उसका सामना करने के लिए अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ है। आप देखें कि चाहे वो हमने पूरे राज्य के जो 162 एंट्री पॉइंट हैं सब पे पुलिस के मजबूत नाके लगे हुए हैं ताकि कोई अवांछित व्यक्ति हरियाणा की सीमाओं में प्रवेश ना कर सके। इसके अतिरिक्त जो हमारी मंडियां हैं, मार्केट हैं, जब वो खुलते हैं वहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके इसके लिए पुलिस के जवान मुस्तैद होकर 1.5-1.5 मीटर पे लोगों को खड़ा करके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं और क्वारंटाइन सेंटर के साथ में जो आइसोलेशन हॉस्पिटल्स हैं
वहाँ भी पुलिस मौजूद है ताकि कोई व्यक्ति ना समझी में उसको छोड़ के वहाँ से ना चला जाए। जब हजारों माइग्रेंट वर्कर्स हमारी सड़कों पर पैदल अपने अपने राज्य के लिए चल पड़े थे तो पुलिस के जवानों ने उन्हें समझा के उनको जो शेल्टर्स राज्य सरकार ने और जिला प्रशासन ने बनाए हैं वहाँ पे ले गए, उनको वहाँ पे खाना बांटा। कई जगह पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करके जो लोग जिनको खाना अवेलेबल नहीं है या राशन अवेलेबल नहीं है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। तो पुलिस के लगभग 20,000 से अधिक जवान इस समय हरियाणा के कोने कोने में हैं और ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और मुश्किल परिस्थिति है। इसलिए हमने हिदायतें दी हैं कि जहाँ तक संभव हो बल प्रयोग ना करें, लोगों को सहानुभूति और सद्भावना के साथ में समझाएं और जहाँ पे यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो कानूनी कार्रवाई भी करें। मैं इस फोरम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 25 तारीख को जब ये शुरू हुआ था लॉकडाउन तब से अब तक 4,539 वायलेशंस के केस पुलिस ने दर्ज किए हैं जो पुलिस के सामने आए हैं। इनमें से 948 केसों में FIR दर्ज की गई है और इसमें लगभग 1,374 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो वाहन मोटर व्हीकल अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं उसमें भी 5,401 वाहनों का या तो चालान किया गया है या उनको इम्पाउंड किया गया है। इस प्रकार से पुलिस कानून सम्मत दृष्टि से इस पूरी स्थिति को पूरी सद्भावना और सहानुभूति के साथ कर रही है। मेरी हरियाणा की जनता से ये अपील है कि पुलिसकर्मी घर में बैठने के बजाय आपकी सुरक्षा के लिए, पूरे समाज, पूरे प्रदेश और देश की सुरक्षा के लिए सड़कों पर बाहर हैं और हम चाहते हैं कि आप उनको सहयोग करें। उनकी जो कानून सम्मत आपको एडवाइस दी जा रही है उसकी आप पालना करें। उनका काम ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, उसको और मुश्किल ना बनाएं। और वैसे मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद भी करना चाहूँगा क्योंकि आपके सहयोग से ही ये लॉकडाउन सफल हो सका है। मैं समझता हूँ 98 से 99% लोग कानून की पालन करते हुए अपने घरों में हैं और प्रधानमंत्री जी की जो एडवाइस है उसका पालन कर रहे हैं। जो 1% लोग हैं, हम चाहेंगे अगर आपके आसपास कोई वायलेशन होता है तो 100 नंबर पर फ़ोन करके उसकी सूचना दें। तुरंत पुलिस की गाड़ी जाके उस वायलेशन को देखेगी। विशेष तौर पे मैं ये भी अपील करूँगा कि कोई भी गैदरिंग ना हो, चाहे वो सामाजिक गैदरिंग हो, चाहे धार्मिक गैदरिंग हो, राजनीतिक गैदरिंग हो, किसी भी पर्पस से हमें लोगों को इकट्ठा नहीं होना है। यदि कोई ऐसी चीज़ आपके ध्यान में आती है तो मैं हरियाणा के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करूँगा कि वो 100 नंबर पर फ़ोन करके इसकी सूचना दें और तुरंत कार्रवाई होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो बचे हुए दिन इस लॉकडाउन के हैं हमें आपका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। कि 5 ज़िले हैं, पलवल, फरीदाबाद, पानीपत, अंबाला और नू। इन 5 ज़िलों में हमने 1 FIR दर्ज की है अगेंस्ट फॉरेन तबलीग जमात मेंबर्स, जो कि फॉरेनर्स एक्ट 1947 के धारा 14B का उल्लंघन करते हुए जो उनको वीज़ा इशू हुआ था उसकी शर्तों का उन्होंने उल्लंघन किया, इसकी हमने 1 FIR दर्ज की है। तफ्तीश में यदि कोई और वायलेशन सामने आएगा तो उसकी धारा इसमें जोड़ दी जाएगी। इसमें हमने इन सभी लोगों को फेस मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए हैं। दूसरा ये है कि इम्यूनिटी सबसे बड़ी चीज़ है तो इम्यूनिटी इनकी मेंटेन रहे इसके लिए समय पर भोजन की व्यवस्था की गई है सरकारी खर्चे पे और इनको प्रॉपर रेस्ट दिया जा रहा है क्योंकि ये लंबी लड़ाई है, 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है, तो इनको प्रॉपर रेस्ट देने का प्रावधान किया गया है। तीसरे, इनकी हर हफ्ते मेडिकल जांच की गई है। जो इनके इंचार्ज हैं उनको बताया गया है यदि किसी भी व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो तो तुरंत उसको ड्यूटी से हटाया जाए और CMO साहब को संपर्क स्थापित कराया जाए ताकि उसकी जांच हो सके। तो हम समझते हैं कि हमारी फोर्स की जो सेहत है, चूँकि वो अग्रणी पंक्ति में है, वो सबसे सेंसिटिव मसला है और उस पर लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं।